ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगड़ा टोली रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के सभी आदिवासियों से एकजुट होकर लड़ाई करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सभी आदिवासी धर्म और भाषा को छोड़कर संस्कृति के आधार पर एकजुट हो। मणिपुर में आदिवासियों पर हमला किया जा रहा है। नृत्य संगीत के साथ सदैव संघर्ष आदिवासी समाज की मुख्य पहचान है। आज जब मैं आदिवासी महोत्सव के मंच से बोल रहा हूं, तो बिना झिझक कहना चाहूंगा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई बहन प्रताड़ना झेलने को विवश हैं। वे अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या मणिपुर, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़ और क्या गुजरात, क्या तमिलनाडु, मणिपुर में हजारों घर जलकर तबाह हो गए, सैकड़ों लोगों को मारा गया, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, कहीं आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया जा रहा है तो कहीं उन्हें बांध कर पीटा जा रहा है। दरअसल यह आदि सदियों से चली आ रही संघर्ष का ही विस्तार है। संघर्ष है वर्चस्ववादी ताकतों और समानता तथा भाईचारे की ताकतों के बीच। संघर्ष है धार्मिक कट्टरपंथियों और जियो और जीने दो के उदार ताकतों के बीच। आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देश के लगभग 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों से एक होकर लड़ने और बढ़ने की अपील करता हूं। गौंड, मुंडा, भील, कुकी, मीना, संथाल, असूर, उराव, चेरो आदि सभी को एक होकर सोचना होगा। आज के देश का आदिवासी बिखरा हुआ है। हम धर्म क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, जबकि सबकी संस्कृति एक है। खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमारी समस्या का बनावट लगभग एक जैसा है तो हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। लगभग सभी हिस्सों में आदिवासी समाज को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है एवं केंद्र तथा राज्य में सरकार चाहे किन्हीं की हो, आदिवासी समाज के दर्द को कम करने के लिए कभी कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। हमारी व्यवस्था कितनी निर्दय है कभी यह पता लगाने का भी काम नहीं किया कि कहां गए खदानों, डैमों, कारखानों के द्वारा विस्थापित किए गए लोग। खदानों, उद्योगों, डैमों के विस्थापन हुए बेघर लोगों में से 80% आदिवासी समुदाय के लोग हैं। काट दिया गया लाखों लोगों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से। कल का किसान आज वहां साइकिल पर कोयला बेचने पर मजबूर है। बड़े शहरों में जाकर बर्तन मांजने, बच्चे पालने या ईंट के भट्टों में बंधुआ मजदूरी करने के लिए हमको विवश किया गया। बिना पुनर्वास किए एक्ट बनाकर लाखों एकड़ जमीन कोयला कंपनियों को दिया गया। हमारा झरिया शहर बरसों से आग की भट्टी में तप रहा है, लेकिन कोयला कंपनियों एवं भारत सरकार के कान में तेल डालकर सोई हुई है। आखिर इस विकास को आदिवासी समाज कैसे अपना मान सकता है? आखिर विकास के चपेट में किनकी जमीनें गई हैं, किनकी रोजी रोटी छीनी गई है, किनकी भाषा खत्म हुई है, किसकी संस्कृति खत्म हुई है? क्या इसका जायजा सत्ता को कभी नहीं लेना चाहिए? जो विकसित है वे कौन है? तथाकथित मुख्य धारा के इतिहासकारों ने भी आदिवासियों के
के साथ बेईमानी की, उन्हें उनका इतिहास उन्होंने इनका इतिहास ही दर्ज नहीं किया और न ही देश के विकास में आदिवासियों के योगदान को चिन्हित किया। चाहे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो या महाजनों के जुर्म के खिलाफ संघर्ष, या फांसी पर लटकने की हिम्मत हो, या अंतिम आदमी के रूप में लड़ते हुए मर जाने का साहस, इनमें अगुवाई के बावजूद इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों को जगह नहीं दी। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों के अनेक भाषाएं गायब हो चुकी हैं या गायब होने के कगार पर है। आदिवासी के देवी देवताओं को दूसरे लोग हथिया रहे हैं या उन्हें अपना देवता थमा रहे हैं। आज हमारे जीवन को आस्था का केंद्र से बांधने का प्रयास किया जा रहा है। लोग तो हमारे नाम तक छीनने में लगे हुए हैं। हम आदिवासी मूल निवासी हैं, पर विचित्र बात है, जिस समाज को कोई जाति नहीं उन्हें जनजातीय कह रहा है या कोई वनवासी कहकर एक ढंग से चिढ़ा रहा है। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।